हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो मैंने जो आज टॉपिक लिया है वो है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, आबयू। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आबयू। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका ICC बोर्ड क्लास 10th के लिए, EP बोर्ड या और CBSE बोर्ड स्टूडेंट जो होंगे उनको क्लास 12th मिलेगा, तो क्लास 12th के लिए भी एंड पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें एंड आपको सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर आप प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्दी से पहुँच जाए। तो स्टूडेंट, हम वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक को पढ़ाने से पहले, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि उस डाउट को मैं कंफर्म दूर कर सकूँ। आई स्टूडेंट, मैं शुरू करता हूँ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, मैट्रिक्स को हिंदी में जो कहते हैं आबयू कहते हैं। बच्चा, मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन दिया हुआ है, वो डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है क्या चीज, इच है ए रिक्टेंगुलर आयताकार, क्या आयताकार में है कि अरेंज, मतलब एरा, एरे ऑफ नंबर, नंबरों का समूह, किसका सिंबल, कुछ सिंबलों का समूह एंड और एक्सप्रेशन उसका विस्तार, और अरेंज इन क्या, रो एंड कॉलम। स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, या पॉलिनोमियल ले लो, या अलजेब्रिक फंक्शन ले लो, या फिर वेरिएबल ले लो, या फिर कांस्टेंट ले लो, या फिर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, या फिर ट्रिगोनोमेट्री का कोई फंक्शन ले लो, कि एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को लेकर आप किसमें स्टूडेंट, तो रो और कॉलम में अरेंज करोगे, और किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर में, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स कहेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए रो क्या चीज होता है स्टूडेंट, रो को हिंदी में कहा जाता है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट पंक्ति, करेक्ट। और जो कॉलम है स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो टॉपिक हम जान गए हिंदी में। अब देखिए स्टूडेंट, अब कह रहा है कि रो और कॉलम में अरेंज करना है, तो किसी भी नंबर को, मान लीजिए आपके पास एक अल्फाबेटिकल नंबर है X, Y, Z, ठीक है, P, Q, M, N, फिर द्वारा यहाँ N ले लीजिए, N, ठीक है, N, O और R। ये जो नंबर स्टूडेंट आपको है, ये अल्फाबेट ABCD वाला नंबर है, इस नंबर को एक रेक्टेंगुलर इस फॉर्म में हम क्या किए हैं, रो और कॉलम में, ये शून्य क्या कहलाएगा, रो, और ये क्या कहलाएगा, ये वाला कॉलम। इसको मैंने क्या किया है कि रो में और कॉलम में अरेंज कर दिया है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है स्टूडेंट, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक, आबयू कहते हैं। क्या कहते हैं, आबयू। अब बच्चा, इसमें हम एक अलजेब्रिक फंक्शन XYZ भी लिए हैं, इसमें कोई नंबर भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लो ये हो सकता है 2, 4, 6, 8, ये तो नंबर भी तो हो सकता है, तो इसे अरेंज किया गया है, तो ये भी क्या है, तो एक सिस्टम बना, इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, आबयू कहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें रो और कॉलम में इन नंबरों को क्या किया है, अरेंज किया है, करेक्ट। अब बात आती है कि इसमें हम, मैंने 3 रो लिया था, फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया, सेकेंड रो, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, थर्ड रो। मैंने इसमें 3 रो लिया था और 3 कॉलम लिया था, C1, C2 और ये क्या, C3, और इसमें मैंने 2 लिया है। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है आप 2 भी ले लोगे, 3 भी रो ले लोगे, 4 भी रो ले लोगे, 2 कॉलम ले लोगे, 1 कॉलम ले लोगे, मतलब तो कैसे भी करके आपको मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज ये है कि वो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ हो, या फिर नंबर हो, या फिर कोई सिंबल हो, उन सब को आपको क्या, तो रो और कॉलम में ही अरेंज करना है। जब आप रो और कॉलम में अरेंज कर लोगे, तो वो कहा जाएगा क्या, कि मैट्रिक्स, यानी कि आबयू कहेगा, करेक्ट। अब देखते हैं, अब तो आप अरेंज करना सीख गए हो, रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति हिंदी में, कॉलम को क्या बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ। रो क्या होता है, तो देखो आपने बताया अभी अरेंज किया, 2, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 9,
तो ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति, ये इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट रो, हिंदी इंग्लिश में रो और हिंदी में पंक्ति, करेक्ट। ये क्या है, सेकेंड रो, और ये जो स्टूडेंट क्या है, थर्ड रो, और ये जो लंबा वाला ऐसा दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं कॉलम C1। कैसे इंडिकेट किए, C1 से। ये क्या है, क्या C2, और ये क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, C3। मतलब क्या कि पहले कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 4, दूसरे कॉलम में क्या क्या है, 6, 2, 6, तीसरे कॉलम क्या है, 8, 3, 9। तो ऐसे पहचानेंगे। अब देखिए, जैसे इस जो सिस्टम बना, इस सिस्टम के अंदर जितने भी हम नंबर लिए हैं, क्या स्टूडेंट, जितने भी नंबर लिए हैं, इन नंबरों को कि किसी को 1 को 2 को 3 किसी भी, इन नंबरों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट कहते हैं। किसका, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या कहा जाएगा, कि ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका ये क्या है, एलिमेंट। बच्चा इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, अवयव, अवयव, क्या कहा जाता है, अवयव, करेक्ट, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैं इसे मिटाता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, या फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम देखेंगे स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या देखेंगे स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखिए मैंने इसको क्या किया है, अरेंज किया 2x, कुछ भी अदर एलिमेंट में हम लोग लेंगे, यहाँ ले लेंगे क्या, y, करेक्ट, ये लो क्या, 1, 2, फिर 2, या फिर 4, फिर क्या हो जाएगा आपका 7, 8, 9। देखो स्टूडेंट, ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब आप काउंट क्या किए कि इसमें कितने रो हैं, तो इसमें आपके स्टूडेंट C1 यानी कि फर्स्ट एक कॉलम, ये क्या है, एक कॉलम, ये क्या है, सेकेंड कॉलम, ये क्या है, थर्ड कॉलम, यानी आपको कितना मिला, 3 कॉलम मिला बच्चा, 3 स्तंभ मिला, ठीक। ये क्या मिला, फर्स्ट रो, फिर क्या मिला, सेकेंड रो, फिर क्या मिला, थर्ड रो, करेक्ट स्टूडेंट। तो ऑर्डर बताने का प्रोसेस क्या है, कि हम काउंट करते हैं सबसे पहले कि कितना रो है, कितने रो हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ बच्चा दिखाते हैं 3, करेक्ट, फिर लगाते हैं क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई यानी क्रॉस का सिंबल, और अब काउंट करते हैं कॉलम, तो 1, 2, 3, कॉलम कितना है, 3, यानी बच्चा ये जो 3×3 है, इस मैट्रिक्स का क्या कहा जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बच्चा, 3×3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा, करेक्ट। अब इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट मतलब करने का मतलब इसको इंडिकेट करना, मतलब किसी भी एक नंबर, अल्फाबेट नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ये हो सकता है, मान लो आपके पास ये कैपिटल ए है, तो ये कैपिटल ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ, और ये किस और इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, ठीक है। तो 3×3 का मतलब क्या हो स्टूडेंट, कि जो फर्स्ट वाला 3 दिखा रहा है, फर्स्ट दिखा रहा है आपको रो को, और सेकेंड दिखा रहा है स्टूडेंट किसका, तो आपको कॉलम को, किसको दिखा रहा है, कॉलम को। एक जनरल फॉर्म में समझते हैं हम, एक हम जनरल फॉर्म में समझते हैं, आइए आपके पास, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, करेक्ट, ये क्या है, A11, A12, A13, डैश डैश डैश, ये आगे तक जाएगा, करेक्ट, यहाँ क्या होगा, A21, A22, A23, डैश डैश, ये भी आगे तक जाएगा, A31, A32, A33, ठीक है, ये भी आगे तक जाएगा, करेक्ट। कहने का क्या स्टूडेंट, और भी ये नीचे तक बढ़ेगा, और भी स्टूडेंट ये क्या होगा, नीचे तक बढ़ेगा, तो यानी क्या है, मतलब कि ये भी एन तक जाएगा, ANN, ये जाएगा ना, ये एन बी एन तक आगे तक जाएगा। तो कहने के क्या मतलब स्टूडेंट, हमको नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, M×N, क्या होगा, M×N, तो वेयर क्या होगा, ये M क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, तो वेयर M इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो, करेक्ट, और जो N इंडिकेट करता है स्टूडेंट, तो ये इंडिकेट करता है क्या, नंबर ऑफ किसको, तो कॉलम को, ये नंबर ऑफ रो को और ये नंबर ऑफ कॉलम को। अब देखो बच्चा स्टूडेंट ये कर रहा है, ये जो 2 है,
ये कहाँ है, कहाँ स्थित है टू। बच्चा ये टू जो स्थित है ये टू कहाँ है, तो पहले कॉलम में और पहले रो पे, पहले कॉलम और पहले रो पे, नहीं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, या फिर यहीं में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट है ये जो टू आपको इंडिकेट हो रहा है, ये टू कहाँ है, तो टू कहाँ जा रहा है कि ये टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसका प्लेस क्या हो जाएगा, टू वन वन, क्या होगा, टू वन वन। तो ये जो टू वन वन है, इस ए का मैं एलिमेंट है, तो इसको दिखा सकते हैं क्या कि ये ए आई और जे, आप दिखाइए आई इजक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो आई इजक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ क्या रो स्टूडेंट, यहाँ जे इजक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ कॉलम, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स, करेक्ट, मतलब नंबर ऑफ पंक्तियों की जो संख्या, पंक्ति की जो संख्या है, कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, ठीक है, और वो स्तंभ कौन सा है, तो पहला स्तंभ है, तो ये इंडिकेट करेगा, तो ए आई जे से इसको इंडिकेट किया जाता है। अब देखो बच्चा, मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो सारे एलिमेंट का प्लेस है। अब तो इस फोर का स्थान कहाँ है, इस फोर का स्थान कहाँ है, ये फोर कहाँ स्थित है, तो बच्चा देखो फोर पहले वाले रो में है, नहीं है, दूसरे रो में है, नहीं, हाँ दूसरे रो में है, कहाँ है, तो तीसरे कॉलम में है। तो ये जो होगा, ये जो फोर स्थित होगा कहाँ स्थित होगा, तो पहले दूसरे रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या इंडिकेट कर किया जाएगा इसको, ए टू सेकेंड रो और सेकेंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड कॉलम में, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका क्या ए टू थ्री, मतलब ए टू थ्री, टू थ्री टेस्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, टू थ्री पढ़ेंगे, और टू थ्री का मतलब क्या कि पहला ये टू कैस को इंडिकेट कर रहा है, तो रो को, और थ्री इसको इंडिकेट कर रहा है तो कॉलम को, तो इसका एलिमेंट कहाँ है, हो जाएगा आपका फोर, तो इसकी रिप्रेजेंट हो जाएगा आपको। तो इस तरह मैट्रिक्स के अंदर मिले हुए एलिमेंट को प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये एक एग्जांपल और समझते हैं, तब तक इसको आप नोट करिए, या फिर ऐसे एक एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल स्टूडेंट हो जाएगा आपके पास, मान लो ये एक मैट्रिक्स है टू टू थ्री थ्री, अब आप बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट। तो काउंट करें स्टूडेंट, इसमें रो कितना है, तो एक रो और कितना रो, दो रो, कॉलम कितना बच्चा, तो सी वन और सी टू, तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चा वो कितना होगा, तो टू इंटू टू, करेक्ट, टू इंटू टू, यानी कि अगर एक जनरल फॉर्म में तुलना किया जाए m इंटू एन से, यही ना होता है m इंटू एन, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना, टू, यानी कि m क्या है, तो नंबर ऑफ कितना रो, और ये टू क्या है सेकेंड, तो n इक्वल टू भी कितना दिया है, टू, यानी कि नंबर ऑफ क्या कॉलम, ठीक। एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट, आइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब आप बताइए इस मैट्रिक्स में, मान लो मैट्रिक्स b इक्वल टू है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो काउंट करिए बच्चा, काउंट करिए आप, इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं तो रो फर्स्ट रो, ये पूरा रो एक दो दिया है, सेकेंड रो में दिया कितना, तो आर टू, कॉलम कितना है बच्चा, तो सी वन सी टू और ये कितना है सी थ्री, करेक्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या कि रो कितना है टू, तो पहले रो को लिखेंगे, हर हालत में हम जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें हम क्या इंडिकेट करेंगे, पहले रो को दिखाएंगे, तो रो कितना है टू इन टू, कॉलम कितना बच्चा थ्री, तो इसका जो ऑर्डर आ गया, हाँ इसका जो ऑर्डर आएगा बच्चा वो ऑर्डर कितना आएगा टू इन टू थ्री, करेक्ट कन्फर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है,
उस मैट्रिक के डिफिनेशन पढ़ेंगे, उन मैट्रिक का एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंग किससे बनता है, मैट्रिक्स को आर्डर कितना होगा और मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्स का जो प्रकार है, आव्यूह का जो प्रकार है, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे। तो पहला कह रहा है, देखो यहाँ मैंने 7 टाइप्स लिखा है, हालांकि अभी और 2-3 टाइप्स होंगे, होते हैं, जैसे कि अपर मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं बताऊंगा उसको। तो पहला क्या इसमें दिया हुआ है आपको स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स, फिर क्या दिया है कॉलम मैट्रिक्स, फिर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी से हम लोग जानते हैं, फिर क्या है डायगोनल मैट्रिक्स भी। अब इसे हम लोग कहते हैं, रो को कहते हैं पंक्ति आव्यूह, कॉलम का तो क्या स्तंभ आव्यूह हिंदी में, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग आव्यूह, हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, वर्टिकल कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और इसको कहते हैं क्या तत्समक, इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। तो हम स्टूडेंट इस पर एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं, ताकि हर एक टॉपिक इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप कभी भूलें ना। तो स्टूडेंट आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। अब एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट। अब देखो, अब हम सबसे पहले पहला देख रहे हैं क्या रो मैट्रिक्स स्टूडेंट, क्या रो मैट्रिक्स, स्टूडेंट रो मैट्रिक्स क्या है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन क्या हो, जो रो हो वो एक हो, जैसे रो मैट्रिक्स सारे हम नंबर को जो पी नंबर अरेंज करेंगे वो केवल रो में करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे स्टूडेंट, रो में करेंगे। यानी इसमें कॉलम की संख्या बढ़ सकती है लेकिन रो की संख्या नहीं बढ़ सकती है। तो अब देखो जैसे कि इसमें 1, ठीक है, 2, 3, 4, तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें देखा जाए तो रो कितना है, रो कितना है स्टूडेंट, आर 1 है, और कॉलम कितना है C1, C2, फिर कितना है C3, और कितना है C4। यानी स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट एक रो के फॉर्म में लिखे हुए हों और उसका ऑर्डर क्या हो 1 × 1, 2, 3, 4, यहाँ मैंने कितना लिया 4 लिया है। आप और भी आगे बढ़ा सकते हो, यानी इसका ऑर्डर अगर दिखाया जाए तो 1 × n भी हो सकता है, और n क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम की संख्या, और 1 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो की संख्या। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट एक पंक्ति के फॉर्म लिखे गए हो तो वो आपको मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा क्या रो मैट्रिक्स, कन्फर्म। दूसरा है स्टूडेंट क्या कॉलम मैट्रिक्स, क्या है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट क्या पंक्ति, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं क्या, सॉरी इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सारे एलिमेंट, सारे जो अव्यय हैं वो स्तंभ में लिखे गए हों, यानी कि ये आपका हो जाएगा करेक्ट। यहाँ ले लो एक्स वाई जेड, और भी ले लो आपका एम ले लो, पास में आ रही है, कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें देखा जाए स्टूडेंट तो आर, इसमें पहला 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो मिले, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में स्तंभ आव्यूह में आपको रो पर रो की संख्या आपके निश्चित नहीं होगी, वो अनिश्चित हो सकती, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो कॉलम की संख्या बच्चा वो फिक्स होगी, क्या होगी कॉलम संख्या फिक्स होगी। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हम लोग लिखेंगे, तो 1 2 3 4 4 × कितना कॉलम 1, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमेशा कॉलम कितना हो 1 हो, यानी m × n होता है, तो m क्या होता है बच्चा, तो होता है नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो जो m है यानी कि नंबर ऑफ रो हो, इसमें फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना हो 1 हो, इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है इसमें,
और नंबर ऑफ रो कितना है, चार है, पांच भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लो क्या, तो दो तीन चार, इसका कितना है, इसका हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री इंटू कितना कॉलम वन। तो ये भी जो मैट्रिक्स है ये भी क्या कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट, हमारा रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम भी हो गया। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बच्चा हिंदू में उसको बोलते हैं वर्ग। जब वो स्क्वायर बनेगा इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब वो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए इस पर एक एग्जांपल देख के समझते हैं हम लोग स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप मिलेंगे, फिर आपको, फिर हमको भी अच्छा लगेगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम के। किसके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ कॉलम के। यानी जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर कितना होता है, एम इंटू एन होता है। तो इसमें क्या होगा कि एम इक्वल टू क्या होगा, एन। जब एम इक्वल टू एन होगा तब आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट। यहाँ एग्जांपल देखिए, टू फोर थ्री सिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितना है, एक दो आर वन और आर टू सी वन सी टू। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टू इंटू टू। बच्चा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं इक्वल है, है ना इक्वल, यहाँ भी दो यहाँ भी दो। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो दूसरा क्या, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, इसमें क्या है, तो आर वन, ये क्या हो जाएगा आर टू, ये क्या हो जाएगा आर थ्री। कितना रो मिला, तीन रो मिला, तो कॉलम भी कितने होना चाहिए, तीन, तो सी वन सी टू और सी थ्री। तो इसका जो बच्चा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो थ्री इंटू थ्री का होगा। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी इक्वल है, तो ये भी क्या कहा जाएगा, इसको भी हम कहेंगे क्या, वर्ग आव्यूह। और इसको भी क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स में क्या है, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल हो, करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसको इरेज कर रहे हैं, नोट करना है क्या आप लोगों को, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, करेक्ट। चलिए अब हॉरिजेंटल, नाम से ही स्टूडेंट क्लियर हो रहा है कि क्षैतिज। हॉरिजेंटल क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज स्टूडेंट क्या होता है, देखिए आपका चौथा है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, किसको स्टूडेंट, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर यानी कौन कितना होता है, m इंटू एन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, क्षैतिज, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या होती है, कम, रो की संख्या से अधिक होती है और रो क्या होते है? कम होते। यानी कि जो m है ये क्या है आपका रो, और n क्या है आपका कॉलम है, क्या है कॉलम। तो यहाँ जो n होगा, n ग्रेटर देन किससे, m से। यानी कि नंबर m क्या है, तो नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो कम होगा किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम, यही ना है। तो एक कंडीशन है कि जब n लेस देन ग्रेटर देन क्या हो जाए m, यानी कि रो क्या हो जाए कम हो जाए और क्या हो आपको कॉलम आपको अधिक हो जाए। जैसे एग्जांपल पर समझते हैं हम लोग इसको, आप ये भी कह सकते हो, देखो एग्जांपल समझो पहले। छत्तीस क्या है, यहाँ एक मैट्रिक्स है टू फोर सिक्स एट वन सेवन नाइन फाइव लिया गया। अब देखो इसमें क्या है बच्चा, तो इसमें यहाँ पे बच्चा कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर
और रो की ऊंचाई कितना है आर वन और आर टू। तो मैंने क्या बताया है कि एन ग्रेटर देन एम, यानी कि एन क्या होता है कॉलम की संख्या और एम क्या होता है नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति इसमें दो ही है और कॉलम कितना है चार है, यानी कहीं ना कहीं कम है और देखने में ये क्या लग रहा है 36 लग रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चा वो कितना होगा 1, 2, 2 × और कॉलम कितना है 4, यानी कहीं देखो यहाँ कम है नंबर ऑफ रो कम है ना, यानी कि ये एम और एन, तो एम क्या है छोटा है और एन क्या है बड़ा है। तो इस रूप में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उससे हम क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी आपको एक शर्त मिल गया क्या कि जो आपको रो मैट्रिक्स होगा रो, उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि क्या कह सकते हो कि रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो में क्या होता है एग्जांपल यही लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करेक्ट। अब तो एक ही पंक्ति है ना, यही तो रो मैट्रिक्स है, यही तो रो मैट्रिक्स है। तो क्या इसको भी तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ भी तो नंबर ऑफ रो क्या है नंबर ऑफ कॉलम से कम है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, स्तंभ कितने हैं 4 और पंक्ति पंक्ति कितना है 1। तो इसको भी यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि रो कॉलम इज रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स स्टूडेंट, ठीक है करेक्ट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं किसको वर्टिकल मैट्रिक्स को, किसको स्टूडेंट वर्टिकल मैट्रिक्स को, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। वहाँ क्या होगा वहाँ आपको मिलेगा क्या था वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स करेक्ट। इसका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर स्टूडेंट मैट्रिक्स कितना होता है m इंटू एन, लेकिन इसका जो m इंटू एन मिलेगा यहाँ शर्त क्या मिलेगा आपको यहाँ m ग्रेटर देन किससे बच्चा n से, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होता है तभी तो वर्टिकल होगा। रो जब अधिक होगा और कॉलम कम होगा तभी तो लंबा होगा, यानी कि इसका जो होगा कि कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए तो ये क्या है m, m आपका हो जाएगा बच्चा नंबर ऑफ रो और n जो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स करेक्ट। अब एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 1, 3। अब बताओ इसमें रो कितना है R1, R2, R3, रो थ्री तीन है और कॉलम बचा कितना है 2, C1, C2। अब इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3 × 2, कहने का मतलब कि इसका जो नंबर ऑफ रो है कितना है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, यानी कि कॉलम अधिक कम अपक्ति ज़्यादा यानी कि रो ज़्यादा। तो इस शर्त को फॉलो कर रहा है यानी कि ये जो हो जा रहा है ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा तभी तो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज़ देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होगा 1, 2, 3, 4 ये क्या होगा ये होता है आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 × 1 ये भी तो क्या है ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कॉलम लेंगे, अगर आप एक कॉलम ले रहे हो तीन कॉलम ले रहे हो लेकिन उसमें क्या करना होगा रो की संख्या को बढ़ाना होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका कॉलम कम और रो क्या होना चाहिए ज़्यादा। इसमें क्या है रो ज़्यादा है 1, 2, 3, 4 और कॉलम कितना है 1 और ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं बच्चा क्या कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड क्या वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या वर्टिकल मैट्रिक्स। और यहाँ वर्टिकल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है नंबर ऑफ रो अधिक है और नंबर ऑफ कॉलम कम है तो ये भी क्या है एक वर्टिकल मैट्रिक्स करेक्ट। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्या कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है तत्समक या इकाई अव्यय करेक्ट, इसको मिटाए। चलिए आप यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली, देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा बच्चा यूनिट मैट्रिक्स करेक्ट, इसमें क्या होगा
कि डायगोनली जो एलिमेंट होगा वो जीरो जीरो होगा, क्या होगा, सॉरी जो डायगोनली वो एलिमेंट होगा वो केवल वन होगा और बाकी एलिमेंट क्या होंगे स्टूडेंट, बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो एक ऐसा मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर कितना है, एक दो तीन कॉलम एक दो तीन रो, यानी कि 3×3, यानी कि जो यूनिट मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा क्या होगा बच्चा, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको फॉलो करेगी। एक चीज़ एग्जाम्पल और ले सकते हो, ये होगा 1 1 0 0, ये किस ऑर्डर में है, ये 2×2 ऑर्डर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किससे, तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा कि डायगोनली जो एलिमेंट होगा वो 1 1 होगा और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, अब हम लोग सब बच गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सेम इस यूनिट मैट्रिक्स को, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि यूनिट मैट्रिक्स तभी होगा कि जब इसके डायगोनली सारे एलिमेंट वन होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें बच्चा, इसमें डायगोनली कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, करेक्ट, डायगोनल 2 -3 6 और बाकी सारे एलिमेंट क्या, जीरो। बस में आ रही है स्टूडेंट, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो 1 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 1 1 को छोड़ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसा नहीं सर, इसमें नहीं कि 1 1 होना चाहिए, अगर 1 1 यहाँ हो तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर जो होगा क्या होगा स्टूडेंट, ये 3×3 ऑर्डर में होगा, करेक्ट, ये किसमें होगा, 3×3 ऑर्डर में होगा। स्टूडेंट अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स, हाँ देख लीजिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स का क्या, सम, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक और आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इन सब मैट्रिक्स को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे समझिए। अगर कहीं आपको डाउट हो या दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके फिर पुनः उसे देख लीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट, बाय बाय।